तो दीपाली हमारे साथ है और फिर से एक बार आपको बधाई महिला दिवस के टुडे ट्रेड आपको वैसे वुमेन्स डे का वेट नहीं करते पूछने से पहले जब मन आता है आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना इसलिए आपको बताना बिल्कुल बनता है ठीक है अब आपने ये जिम्मेदारी दी है तो निभानी पड़ेगी और आज का टुडे ट्रेड आपको बता भी देते हैं स्टॉक है आज का कोपरान इसे टुडे ट्रेड के तौर पर पिक किया गया और जैसे हर रोज हम कहते भी हैं कि न्यूज फ्लो के आधार पर फंडामेंटल का एनालिसिस करके और साथ साथ टेक्निकल मोमेंटम को ध्यान में रखकर स्टॉक को पिक किया जाता है पहले टारगेट स्टॉप लॉस आपको बता देते हैं 75 का टारगेट आपको रखना है 70 रुपीज का स्टॉप लॉस सबसे पहले बात करते हैं कि जो ट्रेंड स्टॉक ने पिछले कुछ सेशंस में दिखा अगर आप देखेंगे तो नवंबर एंड ऑनवर्ड्स यानी पिछले 3 महीने से कांस्टेंट अपमूव स्टॉक में रहा है इसमें लगातार मजबूती आई है और 2006 के बाद अपने सबसे ऊपरी स्तरों पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है अब पिछले सिर्फ 3-4 सेशंस का बिहेवियर देखें तो जो डिलीवरी वॉल्यूम्स रहे हैं वो ठीक ठाक रहे हैं 37% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम्स रहे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि जो बढ़त देखी गई है पिछले कुछ सेशंस में वो सस्टेन हो सकती है और फरवरी से तो इनफैक्ट लगातार तेजी का ट्रेंड स्टॉक में बना हुआ है डेली चार्ट पर भी सही मूविंग एवरेजेस के ऊपर है वहीं अगर इसके फंडामेंटल्स को देखें तो क्वार्टर थ्री की अर्निंग्स काफी स्ट्रांग रहे थे जहां पर मुनाफा कंपनी का 2 गुना बढ़ा था और अगर सिक्वेंशियल बेसिस पर देखेंगे तो 4 times जंप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आया था मार्जिन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट था 13.5% से बढ़कर 20% के आसपास कंपनी के मार्जिन रहे थे फार्मा क्षेत्र की कंपनी है और बड़ी कंपनियों को ये API सप्लाई करती है हालांकि फार्मा के लिए दिन आज थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है लेकिन कोपरान आउट परफॉर्म कर सकता है ध्यान रखें स्टॉक पर आज के सेशन में 75 के टारगेट 70 का स्टॉप लॉस ठीक है 75 के टारगेट के लिए आपको कोपरान पे ध्यान रखना है और 70 का एक स्टॉप लॉस भी रख लें हालांकि मार्केट आज शायद रेंज में रहेगा लेकिन इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है इस बीच कुछ न्यूज फ्लो और भी है वो आपके सामने रखते हैं कि जहां पे कहीं ना कहीं खबरें हैं उसमें आप देखेंगे कि एक तो वरुण बेवरेजेस पे आप ध्यान रखें क्योंकि तमिलनाडु में करीब 70% दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने कोक और पेप्सी को बेचना बंद कर दिया एक कोर्ट के फैसले के बाद वहां के लोगों ने नाराजगी अपनी दर्ज की कि एक पर्टिकुलर नदी से पानी इनको दिया जाएगा उसके बाद से दुकानदारों का विरोध है ये और इससे वरुण बेवरेजेस को असर पड़ेगा क्योंकि ये बॉटलर है पेप्सी का भारत के अंदर और इससे कुछ और कंपनीज भी हैं जो कि इंपैक्टेड होंगी हालांकि कल के सेशन में कुछ ज़्यादा मूव नहीं आया था वरुण बेवरेजेस के चार्ट कैसे लगते हैं राकेश आपको ये बजरा देखेंगे आप देखिए डिम्पी इंटायर स्पेस जितने भी स्टॉक्स स्पेस से हैं सब एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहे थे ये इस स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा विपरीत है इसके अंदर पहले से एक नेगेटिव ब्रेकडाउन 388 के नीचे देखने को मिल चुका है स्टॉक में पॉजिटिव रुझान नहीं है और जिस तरीके से टेक्निकल स्ट्रक्चर है डिम्पी अगर स्टॉक गिरने पर आया तो 360 से पहले कोई सपोर्ट नहीं है और टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि किसी तरह की बॉटम फिशिंग यहाँ पर की जाए